तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑल दो हमारी सारी वीडियोस इंटरेस्टिंग होती है, पर पता नहीं क्यों। ये साल इंडियन एनिमे व्यूअर्स के लिए अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें हमें कुछ एनिमे की ऑफिशियल हिंदी डबिंग देखने को मिली। एंड वहीं से हमें इस वीडियो का आइडिया आया कि क्यों ना हम ड्रैगन बॉल सुपर, माई ड्रेस अप डार्लिंग, नारुतो एंड रैंकिंग्स ऑफ किंग, इन चारों एनिमे को कंपेयर करें कि किसकी हिंदी डबिंग सबसे ज्यादा बेहतर थी और क्यों। हट कमीना, मैं तेनु गोली मार देनी है समीना। ले मार, मेरी पिस्तौल दा घोड़ा नहीं लबन देया। ताडे करो सवारियां लैन गया होना। तू सिर्फ पैसे नाल प्यार कर दी है। आहो कर दी है। तोड़ दी वे जिमें इको पहुंच जे दो पैर पा ले। उस्ताद मैं तेनु पहले कहा सी कुड़ी सही नहीं है। सबसे पहले ड्रैगन बॉल सुपर की बात करते हैं, एंड आई विल ट्राई नॉट टू बी बायस्ड, क्योंकि जब मैं एनिमे को नहीं जानता था तब मैं ड्रैगन बॉल को जानता था। एंड आई नो कि 90% इंडिया एनिमे को ड्रैगन बॉल जी की वजह से ही जानता है। थैंक यू गोकू, थैंक यू ड्रैगन बॉल। तो नॉस्टैल्जिया एंड इमोशंस को साइड रख के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डबिंग सही थी पर और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। गोकू, वेजिटा, पिकोलो और बाकी मेन कैरेक्टर्स जो है ना, उनकी डबिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और जो साइड कैरेक्टर्स हैं वहाँ पर चीज़ें थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं। और अगर तुम ड्रैगन बॉल सुपर देखते हो तो तुमने भी डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि एपिसोड्स के बीच में आवाज़ एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाती है। आई डोंट नो कि वो सेंसरशिप की वजह से है या फिर ये कोई टेक्निकल इशू है, क्योंकि ये एपिसोड्स ना काफ़ी कम टाइम में डब किए गए हैं, पर फिर भी प्रॉब्लम तो है ही। और आखिरी चीज़, साउंड इफेक्ट्स एंड BGM, वो भी काफ़ी जगह सही से सेट नहीं है। आई नो ये प्रॉब्लम डबिंग से अलग है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ख़राब हो ही जाता है। बाकी ये चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव हो सकती है, एंड आई बिलीव कि अगर एनिमे की मार्केट इंडिया में बढ़ती है तो यही लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस को भी पीछे छोड़ देंगे। अगला एनिमे, माई ड्रेस अप डार्लिंग। अच्छा, पता है मुझे लिटरली आइडिया नहीं था कि ये एनिमे इतना ज़्यादा कल्चरल है। मुझे लगा था कि रेंट अ गर्लफ्रेंड की तरह होगा, क्या ही होगा इसमें ऐसा। पता है मेरे घर के ड्राइंग रूम में TV है, कभी कभी मैं उसमें एनिमे देख लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी उसी में देख लिया जाए। पर मैंने लकी लीज के 2 एपिसोड्स अपने लैपटॉप में देख लिए। भाई बच गया मैं, वक्त रहते समय के साथ अपने कदम पीछे हटा के दूसरे सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत की, वरना भाई मेरा एनिमे देखना, एनिमे भाई मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाता। क्या सोचती मेरी मम्मी कि 21 साल का लड़का रात के 2-2 बजे तक कार्टून देख रहा है, वो भी ऐसे 4 साल से। डबिंग की बात करनी थी हमें। नो डाउट डबिंग बहुत अच्छी है, देखो ज़रूर मज़ा आएगा। कैरेक्टर्स की आवाज़ उन पर सूट करती है, बस जो मेन कैरेक्टर है ना गोजो कुन, उसकी आवाज़ में मुझे थोड़ी ज़्यादा नर्वसनेस लगी जैपनीज वॉइस के कंपैरेटिवली। बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ड्रैगन बॉल और नारुतो की तरह ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स नहीं है, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी बिल्कुल सही से सेट है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था। आई थिंक तुम्हें इसकी हिंदी डबिंग देखनी चाहिए। चलो एक फन फैक्ट बताता हूँ, जिस फीमेल आर्टिस्ट ने किताकावा की हिंदी डब की है ना, वही आर्टिस्ट नोबिता की भी हिंदी डब करती है। थर्ड एनिमे, रैंकिंग्स ऑफ किंग। इसकी हिंदी डब भी क्रंची रोल ने की है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डबिंग ऐसी होगी। पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने इसका पहला एपिसोड लगाया और देखने बैठ गया। देखते देखते मुझे 5 एपिसोड निकल गए, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी जैपनीज एनिमे को हिंदी डब में देख रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे कि मैं कुछ ओरिजिनल ही देख रहा हूँ। डबिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, पर अगर तुम ज़बरदस्ती कमियाँ ढूंढोगे तो वो तो मिलेंगी ही ना, जैसे मुझे मिली। इसमें एक कैरेक्टर है केज, जो कि एक इंसान नहीं है, एक अलग ही चीज़ है। तो उससे रिलेटेड एक सीन आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अभी भी एक बच्चा ही है, पर अगर तुम उसकी आवाज़ सुनोगे ना तो लिटरली तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसके खुद 2 बच्चे होंगे। जैपनीज वॉइस में मुझे ये दिक्कत नहीं लगी, प्रॉब्लम तो हिंदी में भी नहीं है, पर उसकी आवाज़ सुन के ऐसा ही लगता है कि वो एक बच्चे की आवाज़ नहीं है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगी। आइए अब बात करते हैं नारुतो की। नारुतो को हिंदी में देखते हुए मुझे काफ़ी मज़ा आया, बस थोड़ा सा मैं अनसेटिस्फाइड इसलिए था क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स की आवाज़ उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं हो रही थी। एंड इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो थी बैकग्राउंड म्यूज़िक। अगेन इसमें भी वो ठीक से सेट नहीं था, जिसकी वजह से कई जगह चीज़ें थोड़ी फीकी फीकी लगती हैं। तुम भी अग्री करोगे कि BGM से डायलॉग्स में एक अलग जान भर जाती है, तो इसलिए मैंने इसे पॉइंट आउट किया। बाकी जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तुम देख सकते हो कि डबिंग और भी ज़्यादा बेटर होती जा रही है, तो सोनी ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन पर काम कर रहा है, एंड होपफुली कुछ ही टाइम में सीजन 2 भी आ जाएगा, तो उसमें शायद हमें और भी ज़्यादा बेटर डबिंग देखने को मिले।
तो ये मेरे ओपिनियन थे इन चारों एनिमे की डबिंग पर। पर्सनली मुझे लगता है कि ड्रैगन बॉल एंड नारुतो को और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि ड्रैगन बॉल एंड नारुतो की डबिंग करने में और माई ड्रेस अप डार्लिंग एंड रैंकिंग्स ऑफ किंग की डबिंग करने में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। नारुतो और ड्रैगन बॉल बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक वॉइस आर्टिस्ट 2 से 3 कैरेक्टर्स को आवाज़ दे रहा होता है, जिसके साथ साथ उनमें सेंसरशिप का भी चक्कर है। साथ में ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स में इतनी रेज है, इतना चिल्लाते हैं वो, जो कि चीज़ों को और ज़्यादा मुश्किल बना देता है। वो तो डबिंग कर रहे हैं और मुझे यहाँ 6 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने में 1 घंटा लग जाता है। एनीवेज़ आज जितनी भी कमियाँ मैंने निकाली वो सब एज अ फ़ैन निकाली है, क्योंकि हम ही देखते हैं और हम ही फीडबैक दे सकते हैं और हम ही बेहतर की मांग कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग एनिमे को इंडिया में एक दिन ज़रूर मेन स्ट्रीम बना दोगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।